हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैभव सैनी। आई एम असिस्टेंट मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं इस वीडियो में कुछ डूज एंड डोंट्स बताने वाला हूँ आपके SBI PO इंटरव्यू के लिए, और जिनका IBPS PO का इंटरव्यू भी होगा मेंस रिजल्ट आने के बाद, तो वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं गलतियाँ बताऊँगा कि गलतियाँ होती कैसे हैं हमारे से। पहले मैं डोंट्स बताऊँगा जो आपको नहीं करना। सबसे पहले तो पहला पॉइंट है, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं ना, कोशिश करना घर से निकलने से पहले एक बार उनको क्रॉस चेक कर लो कि आपसे जितनी भी जेरोक्स के सेट मंगाए हैं वो सब आप लेके जा रहे हो या कुछ आपने मिसिंग तो कुछ मिसप्लेस तो नहीं कर दिया, कुछ गलती तो नहीं हो गई। बायोडाटा फॉर्म दोबारा से क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। अब सेकेंड गलती जो नहीं करनी, देखो मैं इंटरव्यू रूम में एंटर होने से पहले से बताता हूँ। सपोज आप इंटरव्यू रूम के बाहर खड़े हो, कुछ स्टूडेंट्स तो होते हैं ना, वो सीधा, पता है होता क्या है, इंटरव्यू रूम के बाहर बेल लगी होती है, बेल बजते ही आपको एंटर करना होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बेल बजते ही सीधा दरवाजे पे धक्का मार के सीधा में आएगा मैं सर, ये बहुत ही ऑड लगता है यार, ठीक है। क्योंकि अंदर 5 पैनल मेंबर्स आपके बैठे होंगे, तो आपको क्या करना है, पहले डोर पे हल्का सा दोबारा नॉक करो, देन ओपन द डोर एंड परमिशन आप मांगो, मे आई प्लीज कम इन सर या मैम, जो भी, ठीक है। इस तरीके से एक आपका पॉजिटिव रिस्पांस पड़ेगा। और ध्यान से आप देखना, जब आप ये काम करोगे ना, तो आपसे पहले जितने कैंडिडेट्स होंगे कोई ऐसा नहीं करता हुआ मिलेगा आपको, सब सीधा दरवाज़ा खोल के मे आई कम इन सर, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ ये अभी से फॉर्मल है यार, इसको अभी से पता है कैसे मीटिंग रूम में एंटर करते हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है पैनल मेंबर्स पे। अब आप एंटर कर गए, आपके सामने पैनल बैठा है। अब एक तो तरीका होता है सीधा जाके, ये तो खैर गलती कोई नहीं करता कि जाके चेयर पे बैठ गए, बट आपको चेयर के पास जाके खड़ा होना है, तो जो चेयरमैन है या जो पैनल मेंबर है उनमें से कोई आपसे बोलेगा कि प्लीज़ सिट डाउन, तो फिर थैंक यू बोल के आपको, अरे हाँ इससे पहले विश भी कर रहे हैं आपको। तो अब एक चीज़, एक गलती और जो स्टूडेंट करते हैं, पैनल में एक फीमेल कैंडिडेट भी होती है, एक पैनल मेंबर फीमेल होगी, तो आपको गुड मॉर्निंग सर्स एंड मैम बोलना है, ठीक है। और मतलब मैम को बोलना नहीं है कि गुड मॉर्निंग सर बोल के आराम से खड़े हुए, मैम को भी विश करना है। और इसमें और पता है फॉर्मल क्या लगता है, पहले मैम का नाम लिया जाता है देन सर का नाम लिया जाता है, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर्स, ये फॉर्मल तरीका होता है, पहले फीमेल का नाम देन मेल का नाम। अब इसके बाद आपने विश कर दिया उनको, जो भी आपने गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून किया, अब आप चेयर के पास खड़े हैं अपनी। अब या तो उनमें से कोई आपसे बोल देगा कि भैया बैठ जाओ चेयर पे, अगर उनमें से कोई नहीं बोलता तो आपको खुद परमिशन मांगनी है, मे आई प्लीज सिट सर, तो फिर उनमें से कोई बोलेगा हाँ प्लीज सिट डाउन। तो ऐसे करना है, वो आपको जज कर सकते हैं कि आप क्या करते हो, खड़े ही रहते हो पागलों की तरह या क्या करते हो, अगर उनमें से कोई नहीं बोलता तो फिर आपको, कुछ आवाज आई, तो फिर आपको उनसे परमिशन मांगनी है कि प्लीज मे आई सिट सर, तो फिर वो परमिट कर देंगे। अब आपका, आप थर्ड गलती जो होती है वो सिटिंग पोस्चर की होती है। देखो, जो चेयर वहाँ पे होगी वो थोड़ी सी कंफर्टेबल आपको मिलेगी आराम से, ऐसी नहीं होगी कि बिल्कुल आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हो, तो आपको इस तरीके से बैठना है कि आपकी जो बैक है ना वो चेयर की बैक से टच हो, ठीक है। और आपके जो हैंड्स हैं वो आपके घुटने पर होने चाहिए दोनों, मतलब आपके हाथ घुटनों पर रखने हैं, ऐसे करके नहीं बैठना या कुछ ऐसे वैसे नीचे हाथ नहीं लटकने चाहिए, आपके घुटनों पर आपके दोनों हाथ होंगे। और आपके जो शूज़ होंगे वो एक दूसरे से थोड़ा सा गैप पर होंगे, मतलब टच भी करके नहीं बैठना, बट ऐसे पैर चौड़े करके भी नहीं बैठना आपको। ये तीसरी गलती होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। ये मैं अभी सेटिंग पोस्चर पर हूँ, ठीक है, अब आपका इंटरव्यू चल रहा है। अब चौथी गलती जो हम करते हैं, सपोज करो सबसे लेफ्ट वाले बंदे ने, जो पैनल मेंबर है, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, अब मैं पूरे 2 मिनट तक उसी की आंखों में आंखें डाल के आंसर दिए जा रहा हूँ, आई कांटेक्ट करना है, बट आपको 5ों लोगों से आई कांटेक्ट करना है, जितने भी पैनल मेंबर्स वहाँ हैं सबको बराबर आई कांटेक्ट करके आंसर देना है। ऐसा नहीं करना कि जिसने क्वेश्चन पूछा है मैं केवल उसी को आंसर दे रहा हूँ, आप पूरे पैनल को आंसर दे रहे हो, ठीक है, और सबसे आई कांटेक्ट ज़रूर करना है, ये है। और 5वीं गलती, अगर आपसे उन्होंने सपोज कुछ क्वेश्चन पूछा आपको नहीं आता, तो कुछ भी फालतू में उसको झूठ नहीं बोलना। अगर सपोज करो कुछ उन्होंने क्वेश्चन पूछा और आपको उससे लिंक करके कुछ आता है कि एग्जैक्टली वो नहीं पता, बट आप उससे रिलेटेड कुछ बता पा रहे हो बेस्ड ऑन योर नॉलेज और करंट अफेयर्स जो भी, तो उसको बता दो। इस कंडीशन में चुप नहीं बैठना कि मुझे वो नहीं आता, अगर उससे रिलेटेड कुछ भी पता है तो बता दो कि सर मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट मुझे इस तरीके से ये याद आ रहा है, मुझे ये पता है, तो ऐसे बता दो। अब इस तरीके से इंटरव्यू आपका ख़त्म हो जाएगा। अब वो बोलेंगे आपको थैंक यू इस तरीके से कुछ, तो आपको फर्मली उठना है, उनको दोबारा से ग्रीट करना है कि थैंक यू मैम, थैंक यू सर्स, तो फिर आप धीरे से टर्न होके बाहर निकलेंगे। अब अभी भी आपका इंटरव्यू चल रहा है, आपको धीरे से दरवाज़ा खोलना है और
कोशिश करनी है कि अगर आप उनकी तरह फेस करके दरवाजा बंद करें विद अ पॉजिटिव स्माइल। और ध्यान रखना दरवाजे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए यार, ना एंटर करते वक्त ना एग्जिट करते वक्त, कि आपके इंटरव्यू की प्रोसेस हो गई। अब ड्रेसिंग कोड मैं आपको बता चुका हूँ एक बार, बेल्ट का कलर, शूज़ का कलर सेम होना चाहिए, ठीक है। आपकी सॉक्स डार्क कलर की होनी चाहिए, और गलती से भी यार डार्क कलर की शर्ट और लाइट कलर की पैंट पहन के मत चले जाना। आपकी पैंट डार्क कलर की होनी चाहिए, आपकी शर्ट लाइट कलर की होनी चाहिए। हेयर कट आपका होना चाहिए प्रॉपर, आपके बाल बड़े नहीं होने चाहिए, भले ही सिलेक्शन होने के बाद आप बढ़ा लेना यार, फिर जो होगा देखा जाएगा, बट इंटरव्यू के वक्त मत बढ़ा के जाना। आपके नेल्स प्रॉपरली कट होने चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग विल बी विजिबल यार, आपके हाथों में आपके नेल ज़रूर उनको दिखेंगे, ठीक है। आपकी बियर्ड अगर आपको क्लीन शेव नहीं करना, आप ट्रिम करके चले जाना, लाइक बिल्कुल, वैसे तो मास्क वो आप पहन के बैठोगे बट वो उतरवा देंगे, जो मुझे लगता है मेरा भी उतरवा दिया था मास्क, कि हमें आपका फेस देखना है तो मास्क उन्होंने उतरवा दिया था, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। अभी गलतियाँ हैं, अब इससे पहले एक गलती और होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमसे पहले वाला कैंडिडेट इंटरव्यू देके बाहर आता है ना, हम उसके पीछे लग जाते हैं, बता बता क्या क्या पूछा क्या नहीं पूछा, तो डेफिनेटली वो आपको मिसगाइड करेगा, आपको वो बढ़ा चढ़ा के बताएगा, भाई बहुत खतरनाक पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, पता नहीं मेरा तो बहुत बेकार गया है। आप 10 से पूछना, 10 में से 9 आपका मोरल डाउन करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे कि बहुत डिफिकल्ट इंटरव्यू पूछ रहे हैं यार, हमारा कुछ नहीं हो सकता, तेरा भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये गलती मत करना, आराम से शांति से बैठना, SBI वाले खाने को देते हैं, आपको सैंडविच वगैरह कोल्ड ड्रिंक सब मिल जाएगा जाते ही, आराम से खाना पीना मज़े करना जब तक नंबर नहीं आता, और किसी से फालतू बात मत करना वहाँ पे, ठीक है। ये रही ये बात। अब मैं आता हूँ उन पॉइंट्स पे जहाँ से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच होंगे। देखो सबसे पहली बात तो जितनी ज़्यादा पैनल को रिस्पेक्ट दोगे, जितनी पॉजिटिविटी से उनसे बात करोगे, उतने मार्क्स आपको डेफिनेटली अच्छा मिलने वाले हैं। अब एक तो बंदा है वो बिल्कुल ऐसे अकड़ में बात कर रहा है, यस सर, हाँ यस आई डिड, ये वो। अब एक है जो बिल्कुल प्लीज़ करके, यस सर आई डिड इट, मतलब जो रिस्पेक्टफुल वे में प्लीज़ प्लीज़ वर्ड का ये बार बार यूज़ करना, थैंक यू का यूज़ करना, ये बहुत स्ट्रांग वर्ड होते हैं, पॉजिटिव और सॉरी, मतलब ये सॉरी इज़ नॉट ए नेगेटिव वर्ड, इट्स अ वेरी स्ट्रांग वर्ड। आप जितना सॉरी और थैंक यू बोलते हैं ना, उससे आपकी पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ नहीं होती। तो कोशिश करना जितने पॉजिटिव रहो, और अपने फेस पे थोड़ी सी स्माइल भी रखना, कि पैनल मेंबर्स को ये भी ना लगे कि ये तो बिल्कुल ही डल है यार। मतलब एक तो वो आप में बस एक मैनेजर ढूंढना चाह रहे हैं यार, अब किस तरीके से कस्टमर्स को डील करोगे, क्योंकि अभी लाइक मैं भी हूँ, लाइक मैं अभी भी मतलब बहुत बड़े बड़े कस्टमर से मिलता हूँ, अभी मुझे एक साल भी पूरा नहीं हुआ बैंक में, बट अभी भी बहुत बड़े बड़े कस्टमर से मीटिंग्स होती हैं, अटेंड करनी पड़ती हैं। तो वो आप में एटिकेट्स होने चाहिए कि आप उनको किस तरीके से डील कर पा रहे हो, वो यही आप में देखने वाले हैं और कुछ नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा अपने हॉबीज़ वगैरह का ध्यान रखना, जितना हॉबीज़ बेस्ड आपका इंटरव्यू हो जाएगा ना यार, उतने ज़्यादा नंबर आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि यार हॉबी ऐसा टॉपिक होता है कि वो आपसे उससे रिलेटेड, अगर वो आपकी जेन्युइन हॉबी है और वो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो डेफिनेटली उसका आंसर आप आंख बंद करके भी दे दोगे, क्योंकि वो आप जेन्युइनली करते हो। तो एक चीज़ और यार मुझे अभी याद आया, पता है इंटरव्यूअर से, इस पे मैं एक कभी सेपरेट वीडियो भी डालता हूँ, ठीक है, तो मैं सेपरेट वीडियो ही डाल देता हूँ यार, ताकि क्योंकि जो बंदा शुरू से अब तक नहीं देख रहा होगा इस वीडियो को, वो उसको इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा यार। वो मैं सेपरेट वीडियो अभी बना के डालता हूँ, आप देखना, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज यार, बाय।